हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 14 की पहली हेडिंग पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता के बारे में आपको समझाया था। आइए देखते हैं चैप्टर 14 की दूसरी हेडिंग उत्पादकता के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 की दूसरी हेडिंग उत्पादकता। तो ध्यान से समझें, उत्पादकता होता क्या है। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके अस्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता, वह पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे और अस्थायी रहे, ठीक है, परमानेंट रहे, तो इसके लिए लगातार निरंतर सौर ऊर्जा की जरूरत होती है। लगातार उसे सूर्य की ऊर्जा मिलनी चाहिए, तभी जो पारितंत्र है उसकी क्रियाशीलता और अस्थायित्व बना रहेगा और वह अस्थायी रहेगा। ठीक है, तो किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके अस्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्राथमिक उत्पादन जो है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादन क्या होता है। प्राथमिक उत्पादन जो है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में, एक फिक्स टाइम पीरियड में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। ठीक है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री उत्पन्न हो रही है निश्चित समय अवधि के दौरान, उसे ही प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता या उसके अस्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम को एक्टिव रहने के लिए या अस्थायी रहने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत है, लगातार सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादन जो है वह कितना होगा, यह निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा उत्पन्न किए गए कार्बनिक सामग्री की मात्रा पर, जैव मात्रा पर। ठीक है, इसे भार या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्राथमिक उत्पादन की मात्रा को आप भार के द्वारा या ऊर्जा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रति ग्राम स्क्वायर या किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैव मात्रा के उत्पादन दर को उत्पादकता कहते हैं। जैव मात्रा की जो उत्पादन दर है उसे ही क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, उत्पादकता को इसे प्रति ग्राम स्क्वायर प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रति ग्राम स्क्वायर प्रतिवर्ष या किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जैव मात्रा के उत्पादन दर को ही क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। और उत्पादकता को प्रति ग्राम स्क्वायर प्रति वर्ष स्क्वायर में या फिर ऊर्जा के रूप में अगर आप व्यक्त करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर प्रति ईयर में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अलग अलग पारितंत्र की उत्पादकता की तुलना कर सकते हैं।
इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसे जो है जो विभिन्न पायतंत्र की उत्पादकता की तुलना आप इस तरीके से कर सकते हैं, और इसे आप सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता या तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक पारितंत्र की, ठीक है, एक पारितंत्र की, एक इकोसिस्टम की, पारिस्थितिक तंत्र की, एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बनिक तत्व का उत्पादन दर होता है उसी को कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बनिक तत्व उत्पन्न होते हैं, जिनका उत्पादन होता है, उसी दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा, सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है इसकी एक महत्वपूर्ण मात्रा जो है पौधों में श्वसन के द्वारा यूज की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा दें, यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा दें तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। ठीक है, तो नेट प्राथमिक उत्पादकता कैसे निकालेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी को निकालने के लिए हमें सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन के दौरान जो क्षति हुई है उसको घटाना पड़ता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता अर्थात ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आपको रिस्पायरेशन लॉस को घटाना होगा, रिस्पायरेशन लॉस को घटाना होगा। जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन के दौरान जो क्षति हुई है, रेस्पिरेशन लॉस हुआ है, माइनस करने के बाद जो आता है उसी को कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है उत्पादकता पढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो उत्पादकता क्या होता है? ठीक है, तो जैव मात्रा के उत्पादन दर को, जैव मात्रा के उत्पादन दर को ही क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता जो है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितना भी कार्बनिक उत्पादन की दर जो आती है उसी को कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर होती है। ठीक है,
सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा जो है वह पौधों के द्वारा श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है, तो यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान क्षति हुई, ठीक है, जो क्षति हो रही है उसको घटा दें तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। नेट प्राथमिक उत्पादकता पर पोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। ठीक है, यह जो एनपीपी है इसकी जो मात्रा है, उत्पादकता जो है, यह पर पोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है, यही पर पोषियों के द्वारा यूज किया जाता है। नेट प्राथमिक उत्पादकता पर पोषियों की खपत अर्थात जो साक भच्छी हैं या अपघटक के रूप में हैं, यह उनके लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। तो आप देख रहे हैं कि उत्पादकता जो है वह पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जैव मात्रा तैयार की जाती है, ठीक है, उसे सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। लेकिन इस मात्रा का कुछ हिस्सा जो है पौधे स्वयं यूज कर लेते हैं श्वसन के लिए, श्वसन के लिए इसका कुछ यूज कर लेते हैं, अर्थात जो बचता है उसे नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, जिसे जीपीपी माइनस आर से निकालते हैं। तो यही जो नेट प्राथमिक उत्पादकता है यही पर पोषियों को खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने, द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, यह जो द्वितीयक उत्पादकता है, द्वितीयक उत्पादकता है, इसको उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण के दर के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता एक निश्चित क्षेत्र में, प्राथमिक उत्पादकता एक निश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी एरिया में प्राथमिक उत्पादकता कितनी होगी तो वह डिपेंड करता है कि उस एरिया में कितने पौधों हैं, कितने पादप प्रजातियां हैं, उस पर वहां के प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादकता एक निश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। ठीक है, जो प्राथमिक उत्पादकता की मात्रा होगी वह विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों पर, पोषकों की उपलब्धता पर और पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। तो इन चीजों के द्वारा निर्धारित होगा कि उस इलाके में कितनी प्राथमिक उत्पादकता होगी। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक उत्पादकता है वे अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग मात्रा में होती है। संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आका गया है। ठीक है, अगर संपूर्ण जीव मंडल की बात की जाए, संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आका गया है। ठीक है, यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग, पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा घिरा हुआ है, पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग जो है वह समुद्रों द्वारा घिरा हुआ है, फिर भी
बावजूद इसकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग जो है वह समुद्रों के द्वारा घिरा हुआ है, इसके बावजूद भी इसकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा उत्पादकता के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपघटन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।